देखो गाइस, अगर आप चाहे तो ऐसे भी रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्स करने के अलग अलग तरीके हैं और इसमें हम मजे लेते हुए। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द अनदर व्लॉग चार यारी। हम हैं चार यार घर से फरार। तो आज हम लोग के साथ आया है शहबाज और आज हम लोग करने वाले क्या करने वाले कुछ भी नहीं, आज हम लोग करने वाले फुकटगिरी। यहाँ हुआ टाइम पास। आज हम लोग संडे तो कुछ काम नहीं था तो शहबाज बोला चलो घूमने आएंगे। तो आज हम लोग शहबाज घुमा हम लोग को ये घुमाने लगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं फोकटगिरी करने। आप जैसे ही मिलेंगे तो आपको आगे आगे बता दे क्या क्या फोकटगिरी करता है। इसके बाद कोई काम नहीं, सबसे बड़ा फोकट झूठ बोल रहा है ये। इसको एक कॉल मारोगे ना एक कभी तुमको नहीं मिलेगा। चार कॉल मारने के बाद बोलेगा अरे मैं काम में था। बड़ा आदमी है ये। सलामी दे रहे हैं इसके लिए। हाँ अगर देखा जाए तो बहुत दिनों बाद घर से निकला, बिकॉज काम के सिलसिले में घर से निकलना होता है। नहीं काम झूठे घर पे पड़े रह के मोबाइल चलाते रहता है। ये खुद इलेक्ट्रिशियन है, इसके भी खुद ये भी बहुत बिजी रहता है। इसको ये ब्लॉग बनाने के लिए भी कितनी देर तक हम लोग को इसने इंतजार करवाया। ये मैं इससे ही बात करता हूँ, ये अपने आप को लड़की समझता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। नाम नहीं मालूम है बेटा, उन्हें नाम भी बता देता। झगड़ा नहीं झगड़ा है, किसी की कोई पोल नहीं खोलेगा। तो फिर हम लोग आगे जाने वाले हैं यहाँ से बैंड्रा। कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते। बैंड्रा हमदा हर रोज या दो तीन दिन में एक दिन बैंड्रा जाएगा और रात को वहाँ बैंड स्टैंड पे बैठेगा और स्नैप डालता ही रहता है। सुकून स्नैप इसकी आई डी फॉलो करो, आपको मालूम पड़ जाएगा ये बैंड्रा पे बैठा रहता है रात। उससे ज़्यादा वर्सोवा वर्सोवा फिर भी करना बैंड्रा ज़्यादा जाते हैं। फिर देखने का बैंड्रा। तो गाइस हम लोग पहुंच गए बैंड्रा पर। बैंड्रा बैंड स्टैंड में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ऊपर से ट्रैफिक भी बहुत था। तो हम लोग आ गए सुकून वाली जगह पे। तो यहाँ पे अभी हम लोग बैठे हैं। यहाँ से तो वैसे हम लोग की बहुत सारी यादें जुड़ी है। पहले हम लोग आते थे, मतलब जब काम धंधे से थक हार जाते थे तो यहाँ पे सुकून से आते थे, बैठते थे, टाइम पास करते थे। फिर फोटो शूट आउट भी कर चुके हम लोग यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे फोटो शूट आउट किए और फिर थोड़ी बहुत डेट भी मारे, थोड़ी बहुत डेट भी मारे। यहाँ पे मेरे भाई ने बहुत डेट मारे, हम तो यहाँ पे जस्ट फ्रेंड कडल्स करने आते थे। दो तीन बार डेट मारा, ज्यादा दो तीन बार डेट मारे। गर्लफ्रेंड को अपनी बातें बताता था, मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ये हमारे ग्रुप के दूसरे सुकून वाली जगह है ना, सुकून वाली जगह, यही बात होगी ना। ये हमारे ग्रुप के दूसरे कबीर सिंह थे, अभी प्रीति चली गई है। ये कौन था? इसको तो लड़की नहीं मिली आज तक, फ्रेंड है ना, इसको आज तक लड़की नहीं मिली। सिंगल लौंडा बोल सकते एक सख्त लौंडा, नहीं सख्त लौंडा नहीं, इतनी सिंगल सिंगल बोले सिंगल, कोई मिली ही नहीं। इसकी बॉडी पे इतना खर्चा करा मैंने, किसी को इतने पाउडर खा के भी एक लड़की नहीं मिली। बॉडी पे मैंने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। ये सबसे बोलने की बात है, मैंने अपनी बॉडी पे कोई भी खर्चा किया? कोई नहीं बोलता मैं पाउडर खाया हूँ, भूल गया। अंदर की बात है, हम लोग बता सकते हैं। पाउडर भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, अफोर्ड करने जाओ बैंड बज जाती है। देखो गाइस, अगर आप चाहे तो ऐसे भी रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्स करने के अलग अलग तरीके हैं और ऐसे मजे लेते हुए। यहाँ पे ना शहबाज हमेशा अपनी बाइक है ना पेट्रोल बचाने के लिए बंदी करके रखी। आराम करोगे कितने का नहीं है, चालू है तू हैंडल पकड़ के रख। मालूम पड़ा तीनों ऐसा लेटते हुए जा रहे। पेट्रोल बचाने का तरीका, पेट्रोल बचाने का तरीका, कितनी कंजूसी मत करो, ऐसे कंजूस दोस्त मिल जाएंगे। ₹5 के पेट्रोल में हाथ पर टूट गए।
पहुंच गए हम लोग। इन पागल पन्ने का मजा से आते इतने लोग जैसे जो काम धंधे नहीं करते वो आगे बैठे बैठे प्लान बना लेते बोले चलो घूमने। ऑलमोस्ट हम लोग घर अभी पहुंचने ही वाले हैं, तो आपको वीडियो कैसी लगी, हम लोग की मस्ती मजाक, मतलब आपको ब्लॉग कैसा लगा आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी शहबाज और ब्लॉग में आता रहेगा हमारा आना जाना, बहुत सारे आपको सुनने मिलते रहे। और आपको शहबाज की कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और ये बंदा जहाँ देगा उसको देख के दूर भागे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज सब्सक्राइब गाइस, बाय।